हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डोर के बारे में। डोर पे क्या क्या पार्ट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता इस चीज के बारे में, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपका एक डोर है, तो इसके पार्ट्स के नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्लीट जो ये डोर होता है इसके बारे में बताता हूँ। इसे हम बोलते हैं लीफ, ये पल्ला होता है हिंदी में। अगर हम बात करें तो हम इसे पल्ला बोल देते हैं, दिस इज योर लीफ। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज योर टॉप रेल, ये आपकी टॉप रेल होती है। अगर ये बीच का आपका ग्लास पैनल ना हो, अगर प्लेन डोर हो, बिल्कुल भी कोई भी पैनल्स ना हो, तो वो उसके अंदर ना तो कोई टॉप रेल होती है ना कोई बॉटम रेल होती है। क्लियर? तो अभी क्या है कि दिस इज योर टॉप रेल। जैसे मिड की बात करेंगे, दिस इज योर मिड रेल। अगर हॉरिजॉन्टल पार्ट आपका आ रहा है यहाँ पे, तो ये रेल पार्ट होता है, टॉप रेल, मिड रेल एंड दिस इज योर बॉटम रेल। ओके, उसके बाद बात करते हैं जो इस साइड वाला है, इसे बोलते हैं स्टाइल, दिस इज योर स्टाइल। अगर ये स्टाइल आपका हिंजिस की साइड है, जहां पे हिंजिस को हम बोलते हैं कब्जे, जो ये लगे हुए हैं जिससे आपका डोर अटैच होता है, ये आपके कब्जे होते हैं। अगर ये वाला पार्ट इस साइड है तो इसे हम बोलेंगे हिंज स्टाइल, और अगर ये वाला पार्ट दूसरी साइड है तो उसे हम बोलेंगे लॉक स्टाइल, जो आपके लॉक वाले पार्ट पे आपका ये स्टाइल होता है। दिस इज योर ग्लास पैनल, ये आपका ग्लास पैनल है यहाँ पे। उसके बाद जहां पे ये लॉक के होल होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर लॉक डबल बोर, ये आपका डबल बोर के ट्यूबुलर लॉक है। उसके बाद जो डिजाइन दिया जाता है, दीज आर योर पैनल्स, ये आपके पैनल्स बनाए जाते हैं, और उन पैनल्स के बीच में जो ये आपका दिया जाता है पार्ट, इसे हम मलियंस बोलते हैं, जो दो पैनल को कनेक्ट करता है। क्लियर है? और भी काफी सारे पार्ट है, दिखा रहा हूं उसे भी। उसके बाद ये हिंजिस होती है, ये आपका हिंज स्टाइल होता है। जो बीच का पार्ट होता है, मान लो दो दरवाजे लगाने हैं, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, जो बीच का पार्ट है जिसे हम स्टॉप बोलते हैं, इसे हम स्टॉपर भी बोलते हैं, जो आपका बीच का पार्ट है। जो इस साइड वाला पार्ट है, जो इधर और इधर वाला पार्ट है, इसे हम जैम्ब बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो आपका, ये आप देख पा रहे हो, ये जैम्ब होता है। अगर आपकी एक और यहाँ पे जो आपका साइड लाइट विंडो अटैच है, अगर अटैच है तो उसे हम बोलते हैं साइड लाइट विंडो, ये साइड लाइट आपका। उसके बाद जो ये फ्रेम होता है, इसे हम फ्रेम भी बोलते हैं, या फिर इसे हम केसिंग बोलते हैं, जो ये साइड वाला पार्ट है। और जो ये नीचे वाला पार्ट आपका जा रहा होता है, उसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, और दरवाजे के बारे में बताता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर टॉप रेल, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है। दिस इज योर फ्रीज रेल, इसका नाम रख दिया गया है फ्रीज रेल, मिडल रेल, और ये आपका बॉटम रेल है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद दीज आर योर पैनल्स, ये आपका मलियंस, टॉप में है तो टॉप मलियंस, मिडल में है तो मिड मलियंस, और ब्लोवर में है तो लोअर मलियंस। मतलब क्या है कि जिस तरीके का आपका डोर होगा, जहां जहां पे जो पार्ट होगा उसी के नाम से उसके नाम चेंज हो जाएंगे। टॉप में है तो टॉप रेल, बॉटम रेल, मिड रेल, अगर आपका मलियंस है तो टॉप मलियन, बॉटम मलियन, मिड मलियंस, इस तरीके से हम बोलते हैं। उसके बाद ये आपका लॉक स्लाइड हो गया, स्टाइल हो गया, जो लॉक की साइड है। ये आपका हिंज स्टाइल हो गया, इसे हम बेसिकली स्टाइल्स बोलते हैं। ये पैनल्स हो गए, जो ये पैनल्स के बीच में ये मॉडलिंग का पार्ट होता है, जो ये साइड का जो ये पार्ट होता है, तो इसे हम बोलते हैं मॉडलिंग, मोल्डिंग, इसे हम बोलते हैं मोल्डिंग होती है, ये आपकी मोल्डिंग लगाई जाती है। एंड एक और चीज, अगर आपका ग्लास पैनल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे नहीं लगा है, बट होता है क्या है कि वहां पे एक ग्लास को होल्ड करने के लिए दोनों साइड एक फ्रेम लगा दिया जाता है, उसे हम बीडिंग बोलते हैं, वो हमारी होती है बीडिंग। क्लियर है? तो ये सेक्शन करके दिखाया गया है, जो सेक्शन का पार्ट है, इस पार्ट को हम हेड बोलते हैं। दीज आर, जो बीच वाले पार्ट मैंने आपको बताया था, वो स्टॉपर्स होते हैं, जो बीच में एक हिंज निकली होती है, और जो आपका ये पार्ट निकला होता है, ये वाला, ये आपका स्टॉपर होता है। ओके, उसके बाद ये लेग्स, जैम्स वगैरह होते हैं, सील या थ्रेशोल्ड जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं। क्लियर? अब कुछ डोर्स दिखाता हूं आपको। अब ये वाले डोर्स है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये पैनल्स बने हुए, बीच में डिजाइंस दिए गए हैं, नाम तो उसके वही रहने हैं, ये आपका जो आपका स्लाइड्स रहना है, जो आपका स्टाइल रहना है, दिस इज योर लॉक स्टाइल, दिस इज योर हिंज स्टाइल, ये आपके हिंजिस हैं यहाँ पे, ये आपके हैंडल्स होते हैं, ऊपर ये आपका फ्रेम है। ओके, ये इस तरीके के काफी सारे डोर्स हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के डिजाइंस हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ग्लास को होल्ड करने के लिए ये फ्रेम बनाया गया है, दिस इज योर बीडिंग, ये आपकी बीडिंग हो जाती है। दिस वन टॉप रेल, मिड रेल, बॉटम रेल, ये आपका हो गया लॉक स्टाइल, ये आपका हो गया हिंज स्टाइल, ये आपके हैंडल्स हो गए, ये आपके पैनल्स हो गए, और ये आपकी मोल्डिंग हो गई, जो ये चारों तरफ की पार्ट है।
तो इस तरीके से आप अपने डोर को इजिली देख सकते हैं। पैनल्स बने हैं, यहाँ पे ग्लासेस लगे हैं, तो उस तरीके से आपके नेम भी चेंज हो जाते हैं। तो ये पैनल्स आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपका टॉप रेल बॉटम रेल नहीं है, ये आपका कंप्लीट लीफ है जिसके बीच में ये आपका ग्लास पैनल बनाया गया है। ओके, तो इस तरीके के काफी सारे डोर। अब ये देखो इसमें कोई पैनल नहीं है, आपका प्लेन डोर है बिल्कुल, ये फ्रेम लगा हुआ है और नॉर्मल आपका प्लेन डोर है। क्लियर? तो इसके अंदर कंप्लीट टॉप रेल बॉटम रेल स्लाइड लॉक स्टाइल स्लाइड और आपका हिंज स्टाइल आपका यहाँ पे हो गया और बीच में कंप्लीट आपके ग्लास पैनल्स हो गया। अब ग्लास पैनल के बीच में जो इसमें ये लगे हैं, दिस इज ऑल्सो मलियंस, ये आपके मलियंस होते हैं जो ग्लास पैनल के बीच में लगाए गए हैं, इसे भी हम मलियंस बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद दिस टाइप के डोर्स आप देख सकते हैं, नेट पे भी काफी सारे टाइप्स के डोर्स है जो आप देख सकते हैं। अब इनके नाम भी अगर मैं बताऊं तो ये टू पैनल डोर हो गया, ये आपका टू पैनल एचबी मोल्ड हो गया, ये फोर पैनल डोर हो गया, ये सिक्स पैनल डोर है, ये एट पैनल डोर है, ये कैप डच डोर है। तो ये डोर्स के नाम होते हैं, थ्री ग्लास एरेंड एफ डोर है, नाइन ग्लास डोर है, जो ग्लास मतलब जिस जिस तरीके से इसमें लगाए गए हैं उस तरीके से। अब ये एच टाइप की शेप बन रही है तो इसे हैप्पी डोर नाम दे दिया गया, हैप्पी ओवन पैनल के नाम से इसका नाम दे दिया गया। तो इस टाइप से काफी सारे नाम है, मैं इस पे भी आपकी वीडियोस बनाऊंगा किस किस डोर किस किस टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, और यहाँ पे आप कंप्लीट नाम देख पा रहे हो कि आपके डोर को एक्चुअल में बोलते क्या है। तो यहाँ पे कुछ मॉडर्न स्टाइल डोर्स हैं, इस तरीके के डोर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं, तो काफी देखने में ट्रेडिशनल लगते हैं। तो कुछ न्यू जो कोठियों के डोर चल रहे हैं तो इस टाइप के भी डोर्स हैं जिसपे काफी सारी डिजाइनिंग की गई है, वो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे आपके डोर्स के पार्ट नेम, कैसे कैसे डोर आपका किस तरीके से यूज होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं कि किस पे मैं बनाऊं, तो उसी टॉपिक पे मैं ट्राई करूंगा बनाने की। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।